सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में ऑटो में बैठने से रोक दिया। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला दिया। इस दौरान कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई। नाराज केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। दरअसल दिल्ली के सीएम अपने होटल से एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें केजरीवाल साफ कहते नजर आ रहे हैं कि गुजरात की जनता दुखी है, क्योंकि नेता जनता के बीच नहीं जाते और हम जनता के बीच जा रहे हैं तो आप हमें रोक रहे हैं। आपके इसी प्रोटोकॉल ने जनता को दुखी कर रखा है। केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए। हालांकि इसके बाद केजरीवाल को जाने दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखी नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये अरेस्ट है। आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी। यू कैनॉट अरेस्ट मी।